कुलदीप यादव जी, रघुनाथ यादव जी, बाकी जितने भी यहाँ पर हमारे भाई माताएं बैठी है, सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना काल में यहाँ आए हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार से आए हैं अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। आज तक कह देखिए कि 40 साल से लोग वहाँ रह गए हैं, तो 20 साल से हमने आपके साथ किसी भी पार्टी को सपोर्ट किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारे पास कोई चारा नहीं था। चाहे कांग्रेस की सपोर्ट करें या बीजेपी की सपोर्ट करें, क्योंकि किसी पार्टी यहाँ पर थी नहीं। आज एक चीज देखा जाए कि जितने यहाँ पर सांसद हुए हैं, चाहे वो कौन मुख्यमंत्री हो चाहे किरण खेर हो, सिर्फ जब उनको वोट लेना होता है तो हमारे बीच आएंगे, हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें करके और वोट लेकर चले जाएंगे। दोबारा कारक देख लो, अपने यहाँ का भूभाव देख लो, जिसको टाइम लगता है उसमें गवर्नमेंट परमिशन का उनको दिया जाएगा, उसको टाइम लगेगा, वो मुझा को लाके और भी वोट ही खोजवा के उसमें टाइम लगवा के वोट खरीदेंगे। यहाँ पर इंसान नहीं, इस कम्युनिटी को नाबाजी से नहीं दे सकते, नेता है वोट लेने आए बहुत लेकिन सब कुछ किए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इस पार्क में छठी कर दी है, इसको इन्वेटर देकर प्रशासन को घास कटवा दें क्या सफाई में, किसी ने नहीं कहा। आज तक मीटिंग हुई है, बहुत मीटिंग हुई है, किसी ने कोई ये नहीं कहा कि हाँ इसको करवा दो। मेरे कहने का मतलब है, एक आपके कानूनी के ढांचे साहब हैं और आप लोगों के बेटे किसे हो, दूसरे जवान भाई हमारे सबके हाथ जोड़ कर मैंने पार्टी से छोड़ के मैंने अब आगे सवाल करने वाले। अगर जो बच्चे को अच्छी शिक्षा दोगे तो वो शिक्षा बाहर भी देगा, आप अगर जो घर में बच्चों को शिक्षा नहीं दोगे तो वो बाहर भी शिक्षा गलत पाएगा। तो मैं घर में आप लोगों के हैं और मुझे यहाँ का दूसरे नंबर पर दूसरे एरिया का मुझे नहीं चाहिए, रात बिरात को हमें उठना बैठना है। हमारे घर में हमारे मोहल्ले में अगर जो कोई है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन बाहरी वाले को नहीं पकड़ पाओगे। वो एक बार ही वोट लेके चला गया, मुड़ के वो आएगा नहीं और जाओगे उसी की दावेदारी करोगे। तो इस कारण से मैं क्या बोलते हैं, इलेक्शन अपील फाइट में करना चाहता हूँ उनका दिन के लोगों से। इस लाने से मैंने अपनी कहा उसमें पार्टी ज्वाइन किया हूँ, हमारी पार्टी आएगी। यूपी में अच्छा काम अखिलेश यादव ने किया है, आज भी दिन रात में तो वहाँ से चल के हम यूपी भाई नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ कोई और है, सारे अपने भाई हैं। तो आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का मुझे पढ़ना चाहिए और आप लोग मुझे इस लायक करोगे तो हम आपका सेवा करने के आभार करेंगे। जय हिंद।